पैसे की कोई चिंता नहीं, पैसा चाहे कितना लग जाए लेकिन 31st का मजा अलग ही होना चाहिए। तभी है बात है, 31st को साले मेमोरेबल बना दो इस बार, कुछ भी एंजॉय है ना, क्यों बनाया जाए। बिल्कुल चलोगे तो? यह हुई बात, चलो 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 आगे, चलो 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 आगे, चलो सुबह सुबह आगे भीख मांगने। बेटा आप भीख मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती? साहब क्या करूं, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते लिखाते नहीं है? जून में हम 31st का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का इतना बड़ा बड़ा प्लान सोच रहे हैं यार, कितना पैसा खर्च होगा? बच्चे को एडमिशन दिलाया जाए, उस पे खर्च किया जाए तो पॉजिटिव रहेगा, बच्चा कुछ बन जाएगा, करियर बन जाएगा इसका, और हिरेन कभी तो ये याद करेगा हमें। जरूर बेटा, अच्छे से अभी हम अगर आपको स्कूल लेके जाएं तो आप अच्छे से पढ़ाई तो करोगे ना, प्रॉमिस है? हाँ सर, प्रॉमिस। मन लगा के पढ़ोगे? हाँ सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस बच्चे की एडमिशन की रिगार्डिंग बात करनी थी मैडम। नो नो नो, इन द मिड सेशन इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में मैम, हम लोग 31st का अपना प्लान बना रहे थे, किस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमें इस बार अच्छे से करना है। मीनवाइल जब हम आपस में सारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे तो ये बच्चा उधर से निकला, और जब ये भीख मांग रहा था और जब इसने बताया कि इसके फादर मदर नहीं है और ये बहुत ही उस स्थिति में है, तब हम लोगों ने अपना खर्चा सारा जो न्यू ईयर पे खर्च करने वाले थे इसको ड्रॉप किया, और हम लोगों ने तय किया सारे फ्रेंड्स ने इसकी एजुकेशन का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे ताकि ये आगे जाके कुछ अच्छा इंसान बन सके। इसीलिए मैम आपके पास आए हैं, और आप एडमिशन देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी मैम। दैट्स नाइस, बट मैं इसके लिए मुझे पहले मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो प्लीज़ मुझे टाइम दें। हेलो जी, हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आपके परमिशन की ज़रूरत थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने जितना जुड़कर बड़प्पन के साथ में इस बच्चे के भविष्य के लिए सोचा है, मतलब वी हैव नो वर्ड्स टू गिव थैंक्स टू यू। और मुझे भी खुशी है कि मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। आप लोग ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है अपने समाज के लिए, और ऐसे ही आप लोग इससे का काम करते रहें। और बाकी ये है कि उस बच्चे की जो बुक्स और यूनिफॉर्म मेरी तरफ से आपको अवेलेबल होंगी। आपको कल से स्कूल आना है न्यू बुक्स के संग और यूनिफॉर्म के संग, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके, बाय बाय। आज मन को बहुत संतुष्टि मिली, ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों ने एक वास्तव में जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा सा काम किया है। लग रहा है, फील प्राउड आ रहा है, फील प्राउड आ रहा है। अब कम से कम इस बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित हो गया हमारे छोटे से पैसों में। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, मस्ती भरी जिंदगी जीना सबको अच्छा लगता है, पार्टी में जाना किसे बुरा लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपका छोटा सा प्रयास कितना बड़ा पुण्य दे सकता है? एक छोटे से बच्चे जो अनाथ है, गरीब है, भीख मांगता सड़क पर, उस बच्चे के साथ में इन चार दोस्तों ने मिलकर जिस तरीके का काम किया, इस बच्चे के जीवन बना दिया, करियर बना दिया। दोस्तों मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, दिल से एक गुजारिश है कि जरा जरा सा अपना जेब खर्च, अपनी पार्टी खर्च में बचाकर ऐसे बच्चों के लिए लगा दो, तो देखिए वो दिन दूर नहीं है जब देश से बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे बच्चों का भला हो सकेगा।